वो स्टूडेंट पूरे यूनिवर्सिटीज को अपनी तकरीर सुनाएगी, फिर उसमें से सिलेक्शन होगी, जैसे प्रेसिडेंट साहब इधर डीसी हाउस में करते हैं ना कभी कभी, तो वो फैसिलिटी हमारे पास भी है। न सिर्फ इधर, मगर इंटरनेशनल लेवल की कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो हम उसमें, मैंने दो तीन कॉन्फ्रेंसेज उधर अटेंड किए, इधर मेरे से लोगों ने डिस्कशन किए कि साहब ये है वो, एनीवे तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फैसिलिटी, ये HEC ने हमको दी है, वो हम इसमें हमने लगाई हुई है। इसके अलावा जो 14.3 मिलियन वो हमने दे दिया है, और सेनेट मैंने आपको बताया डेंटल का इंक्रीज, अच्छा PG के जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट्स की जो सीट्स थी वो पहले 50 थी, तो प्रेसिडेंट साहब की डायरेक्टिव पर पोस्ट ग्रेजुएट की सीट्स बढ़ाने के लिए 200 सीट्स हो गई हैं। अभी जब 200 हुई हैं तो हमने फिर ये कोशिश की है कि जितना जल्दी हो सके पोस्ट ग्रेजुएट के, जैसे उस दिन वो आई टीम, अभी परसों आ रही है टीम, तो ये हमारे पास सीट्स बढ़ेंगी। तो ये एक लड़के की जो पहले तनख्वाह 12,000 थी पोस्ट ग्रेजुएट की, तो अभी वो तनख्वाह हो गई है 42,000 प्रेसिडेंट साहब के हुक्म पर, ये 42,000 हो गई है। मगर अभी कंसेप्ट ये बढ़ गया है कि ये यूनिवर्सिटी है तो ये पोस्ट ग्रेजुएट है, तो अभी वो लड़के पढ़ेंगे एज ए स्टूडेंट, पास डॉक्टर बन गए मगर वो बनेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट बन के फिर वो 42,000 रुपये उनको महीने में मिलेंगे, 42,000। तो ये इतनी, हमारे ज़माने में 200 रुपये मिलते थे, एक 1,000 भी करें ना तो वो 20,000 होते हैं, यू सी। तो ये अब अलहमदिल्ला प्रेसिडेंट साहब की आपने हमें उसकी अप्रूवल भी भेज दी है और वो हमने पैसे आज दे रहे हैं उनको, अभी आई है हमारे पास अप्रूवल इसकी, तो ये भी हम दे रहे हैं। सोलर नर्सिंग कॉलेज के लिए हम बीनिश, एक है नर्सिंग इंस्टीट्यूट हमारा, बेनजीर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड कम्युनिटी हेल्थ साइंसेज, जिसका इफ्तिताह प्रेसिडेंट साहब ने किया था 21 जून को। तो मुझे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि आप कब इसको शुरू करेंगे, मैंने कहा सर वो बनने में तो कम से कम 2 साल लगेंगे, मगर हम मिक्स शिफ्ट अरेंजमेंट जैसे ही करेंगे, शुरू से ऐसे ही होगा कि हमारे पास पहले 100 की तवसत भी आप उनको बताए कि भैया ICU ऐसी चीज नहीं है जिसमें आदमी जाए जाकर बैठ जाए चप्पल के साथ, ये वो खाना खाना खाए। तो इंसान की क्वालिटी भी बढ़ाने के लिए हमने किया हुआ है कि भाई इंसान की क्वालिटी, चलना कैसा चाहिए, बात कैसे करना चाहिए, डॉक्टर आपको हर एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। अगर डॉक्टर का बिहेवियर अच्छा है, एक हमारा टीचर तो नहीं था, हमने इसके साथ काम किया डॉक्टर सज्जन, लोग उसको पूछते थे। वाईफाई एक्टिविटी हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, अभी इंटरनेट हमारे लड़कों को मिल रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उनको कट ऑफ किया वहां से। और मेरा अगला जो प्लान है वो पोस्ट ग्रेजुएट लड़कों के लिए भी अब उनको एक फैसिलिटी देंगे। और जो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने FM रेडियो, हेल्थ रेडियो हमने शुरू किया। किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में मैं गारंटीज के साथ कहता हूँ, लाड़काना में है एक के लिए सेपरेट।